ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष के चैनल पर आपका स्वागत है। धनुराशि 2020 वार्षिक राशि पर गुरु ग्रहों के महत्वपूर्ण संकेत मिलेंगे। दोस्तों, धनु राशि वालों का वर्ष 2020 में ग्रहों की स्थिति के अनुसार अच्छे एवं शुभ फलदायक योग बन रहे हैं। यह वर्ष धनुराशि के लिए जिंदगी के सभी आयामों में शुभ रहने वाला है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में उन्नति का ग्रहों की दशा स्थिति बनने से धनु राशि के जातक ऊर्जा से भरे रहेंगे। यदि धनु राशि के जातक इन योगों को ध्यान में रखते हुए ये उपाय करते हुए अपना कार्य करेंगे तो यह वर्ष बहुत ही सुफलदायक होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 2020 में धनु राशि में नौकरी में उन्नति व प्रमोशन के योग कैसे हैं। दोस्तों, स्टार गुरु आपके लग्न भाव में ही आपकी धनु राशि में ही रहेंगे और गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर एवं सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर और नौवीं दृष्टि भाग्य भाव पर होने से अच्छे उत्तम फलदायक योग बना रहे, क्योंकि लग्न भाव में गुरु खुद की ही धनु राशि में होने से योग कारक स्थिति बन रही है। जो व्यक्तित्व विकास, नैतिक धार्मिक भावना, छोटी या बड़ी विदेश यात्रा और विदेश व्यापार के अच्छे लाभ के अवसर बना रहे। अतः गुरु की यह स्थिति जातक को आत्मविश्वास बढ़ाते हुए बुलंद रखने वाली। आपकी स्वाभाविक प्रकृति पौरुष ऊर्जा व्यक्तित्व ऊर्जा से भरा सफलतादायक रहेगा। भाग्य उन्नति धन लाभ नौकरी में प्रमोशन के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस अवधि में आपको अपने पूरे जीवन से संबंधित गुड़ रहस्यों के महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होंगे। अतः सजगता बनाए रखें। पठन मनन एवं ध्यान से उन संकेतों को पकड़ने में आप कामयाब हो सकते हैं। अतः ध्यान का अभ्यास करते रहें। अतः कुंडली का विश्लेषण करवाकर अनुभवी लोगों का अनुभव प्राप्त करेंगे तो यह वर्ष आपके लिए और भी अधिक अच्छा पुण्य एवं धन लाभ देने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि पंच महापुरुष योग भद्र योग श्री लक्ष्मी नारायण योग संख योग विधादित योग गज केसरी जैसे योगों के कारण और प्रारब्ध एवं माता पिता के आशीर्वाद के साथ यदि धनु राशि के जातकों का कर्म उत्तम एवं कार्य गुरु से संबंधित है, जैसे कि लेखन संपादक अध्यापक प्राध्यापक कोचिंग लेखन से संबंधित कार्य क्लर्क लिपिक अनुवादक स्कूल शिक्षा विभाग में उपदेशक दार्शनिक वकालत या उनके ऑफिस में मुनि में सहयोगी का कार्य कर रहे हैं या सामाजिक कार्य धर्म की रक्षा संबंधित समाज सुधारक कार्य कानून प्रकाशक दलाली कमीशन एजेंट आयात निर्यात बैंकिंग खाद्य पदार्थ व्यापार सैनिक सिपाही आदि से संबंधित कार्य कर सकते हैं या कर रहे हैं तो अच्छा लाभ होने की संभावना बन रही है। कुंडली में अन्य ग्रहों की दशा भी महत्व रखती है। इसके अलावा कार्य बशर्ते कि सभी कार्य अच्छी प्लानिंग एवं अनुभव के साथ सीमा में रहकर किए जा रहे हों, इस साल नए प्लानिंग वाले कार्य एवं व्यापार की पूरी माहिती जानकारी लेकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से अर्थ काम धर्म का लाभ मिलने की संभावना बनाने वाले हैं। इस साल आपके ग्रह क्योंकि स्वग्रह गुरु की अपनी धनु राशि में स्थिति व सप्तम भाव पर दृष्टि अद्भुत परिवर्तन एवं व्यक्तित्व विकास का परिचायक अनुभव कराने वाली है। आपके राशि स्वामी गुरु वर्ष के प्रारंभ से ही लग्न भाव में गोचर कर रहे होने से आपको व्यापार में बुद्धिमानी पूर्वक धन लाभ दिलाएंगे, सुखी धार्मिक दीर्घायु बनाएंगे, साथ ही समाज में सम्मान दिलाएंगे। प्रथम भाव का गुरु जातक उच्च शिक्षा प्रदान करवाता है, समाज में मान सम्मान एवं संपन्न बनाता है। वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न राज्य अधिकारी तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का धनी बनाता है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक परीक्षा में सफलता एवं अधिकारों में वृद्धि की प्राप्ति कराता है एवं नोवा घर गुरु का पक्का घर होने से उक्त अनुसार उत्तम फलों की आशा सुनिश्चित की जा सकती है। दिनांक 23 जनवरी 2020 से शनि मकर राशि में धन भाव में स्वग्रह होकर गोचर करेंगे। जब शनि स्व राशि में होते हैं तो जातक कुशाग्र बुद्धि विद्वान दार्शनिक गुण रहस्यों के ज्ञाता परिश्रमी अच्छा घरेलू जीवन जीने वाला बनाते हैं। साथ ही शनि आपकी राशि में
पराकर्मेश भी होकर ऊर्जा से भरपूर रखेंगे। अतः गुरु एवं शनि मिलकर धन मान सम्मान दिलाएंगे। दोस्तों धनु राशि में सर्वाधिक शुभ फलदायक कारक ग्रह मंगल होते जो कि पंचम एवं द्वादश भाव के स्वामी। गुरु आपकी राशि में लग्न एवं चतुर्थ सुख भाव के स्वामी होते। मंगल एवं गुरु संयुक्त होकर अत्यंत शुभ फलदायक बन जाते। सूर्य जो कि भाग्येश है और मंगल सूर्य के साथ संयुक्त होकर राजयोग बनाते। अतः गुरु मंगल सूर्य को उत्तम बनाए रखें। अतः गुरु मंगल सूर्य से संबंधित वस्तुएं एवं जीवित लोगों से मित्रता बनाए रखने, उनसे अच्छा व्यवहार करने से एवं उनसे संबंधित पूजा पाठ करने से आपको उत्तम अति उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। धन लाभ एवं प्रसिद्धि प्राप्त होगी क्योंकि इस साल के आरंभ में ही दोनों गुरु सूर्य मिलकर लग्न भाव में ही शुभ फलदायक योग का निर्माण कर रहे हैं। इस अवधि में संतान को बुद्धि विद्या शिक्षा प्रशिक्षण के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी एवं इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। कार्यरत जातकों को प्रमोशन एवं वेतन वृद्धि के अवसर मिलेंगे लेकिन आपको भी अपनी पात्रता सिद्ध करना होगी। ग्रह तो प्रमोशन कोई बड़े प्रोजेक्ट के अवसर आदि देने ही वाले हैं, तो क्या उनकी कृपा से प्रमोशन या अवसर मिल जाने के बाद अपनी पात्रता सिद्ध करने या उसे कायम रखने का आपने पूरी तरह से सोच रखा है क्या? अतः योग्यता बढ़ाते रहें, अपना मनोबल शिखर पाने के लिए पूरी तरह से बना लें। शिखर पर पहुंचना तो आसान होता है लेकिन शिखर पर बने रहने के लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ते हैं। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। सभी ग्रह आपको इस अवधि में गुप्त ज्ञान, जीवन का गुण ज्ञान एवं आत्मज्ञान प्राप्त कराने के लिए ऐसी अवस्था परिस्थितियों में डालेंगे कि आप जीवन का वह अनुभव प्राप्त करेंगे जो आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जो आपको आनंद की ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। खुशी क्या है और आनंद क्या है इसका बोध कराएगा। इसलिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए या सानिध्य प्राप्त होगा जो आपकी सफलता सुनिश्चित कराएगा। दोस्तों सारा सुख वैभव लाभ यश अपयश आपके कर्मों पर आधारित है और यह निर्भर करता है आपके काम करने की शैली, उसका आकार प्रकार, उसकी क्वांटिटी, उसका अच्छा अनुभव, निर्णय लेने की शक्ति, सही समय पर सही उत्तरदायित्व पूर्ण करने की क्षमता पर निर्भर होता है। अर्थात इसे एक शब्द में कहें तो आपकी सफलता आपके कार्य कौशल पर निर्भर करता है। बाकी ग्रह तो आपके फेवर में काम कर ही रहे हैं। यह धन वैभव कुटुंब सुख व्यक्तित्व विकास एवं जीवन शक्ति में वृद्धि करने वाला सुख कारक होगा। नौकरी में अपना उत्तम परफॉर्मेंस दिखाकर कड़ी मेहनत करके प्रमोशन उन्नति वेतन वृद्धि एवं प्रशंसा के दावेदार बन सकते हैं। आपका भाग्य उन्नत रहेगा और आयु में बढ़ोतरी होगी। अतः इस वर्ष नौकरी में अपना परफॉर्मेंस उच्च एवं व्यवहार शालीन रखें। वैसे भी हर एक व्यक्ति को नैतिक मूल्यों को धारण करते हुए अपना व्यवहार शालीन ही रखते हुए ब्रह्मांड की हर सही की तरह परोपकारी होना चाहिए ताकि हम हमेशा सभी के प्रशंसा के पात्र बने रहें देवों की तरह। इसलिए देवी देवताओं की प्रशंसा स्तुति पूजा की जाती है। इसलिए कहा गया है अपना दुख महसूस करना आपके जीवित होने का प्रमाण है। अपना दुख महसूस होना आपके जीवित होने का प्रमाण है लेकिन किसी और का दुख महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। लेकिन दूसरों का दुख पहचान कर उसके दुख दूर करना देवत्व के गुणों का प्रमाण है। जो गुण आपकी राशि के जातकों में बहुत कूट कूट कर भरा होता है बस उसे निकालने और निखारने की जरूरत है। अब धनु राशि का 2020 में व्यक्तिगत जीवन कैसा रहेगा जानते हैं। लग्नेश धनेश सुखेश पंचमेश भाग्येश कर्मेश एवं राज्येश की स्थिति एवं दृष्टि उत्तम होने से व्यक्तिगत जीवन में वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे क्योंकि लग्नेश और सुखेश गुरु लग्न में बैठकर व्यापार पत्नी एवं पार्टनर के सप्तम भाव में
दृष्टि होने से सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन जन्मांग कुंडली में यदि सप्तम भाव में सुख प्रभाव नहीं है तो दाम्पत्य सुख जन्मांग कुंडली के अनुसार ही 19-20 हो सकते हैं। अब धनु राशि की 2020 में पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी जानते हैं। कुटुंब भाव, पंचम भाव एवं सुख भाव एवं सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति उत्तम होने से धनु राशि के जातकों के लिए पारिवारिक स्थिति उत्तम रहेगी। छोटी मोटी नोकझोंक संभव हो सकती है इस वर्ष 2020 में एवं इसके बाद आपके परिवार एवं परिवार में किसी के विवाह उत्सव के योग बन सकते हैं। पारिवारिक प्रेम एवं सौहार्द का वातावरण रहेगा। अब देखते हैं धनु राशि का 2020 में शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा। सुखेश, पंचमेश और सप्तमेश एवं कर्मेश की स्थिति उत्तम होने से शिक्षा के लिए विदेश यात्रा संभावित रूप से करवा सकते हैं। सभी की शुभ भाव शुभ स्थिति मजबूत होने से कोई भी शिक्षा प्रैक्टिकल एवं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप सफल होंगे। आप अध्ययनशील एवं एकाग्र रहेंगे जिससे आप अपनी उन्नति के लिए कोई उच्च परीक्षा या ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं जो कि सफलतादायक रहेगी, लेकिन मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। अपना ध्यान पूरा पढ़ाई पर रखें। ग्रह नक्षत्र तो आपका साथ दे रहे हैं, क्या आप भी उनका साथ देने के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं या देंगे तो वैसे ही परीक्षा फल आपके पास आने वाले हैं। अतः पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखें। व्यर्थ व्हाट्सएप भेजने, पार्टी, दोस्तों की पार्टी, एंजॉयमेंट में समय नहीं गवाएं। हाँ, थोड़े समय के लिए मनोरंजन जरूरी है, पर वो स्वस्थ मनोरंजन हो जो आपको शांति दे, ना कि स्ट्रेस बढ़ाए, व्यर्थ की कामनाएं जगाए। ऐसा मनोरंजन व्यर्थ है आपके करियर के लिए। वर्तमान मोबाइल नेट के जाल में पूरा समय नेट खा जाता है तो सभी कार्य सफल हो रहे हैं, अतः इस बात का ध्यान रखें। अतः अपना ध्यान पढ़ाई पर पूरा रखने से सभी से बचे रहेंगे। अब धनु राशि का 2020 में स्वास्थ्य कैसा रहेगा जान लेते हैं। धनु राशि में ये साल गुरु एवं शनि देव की स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा, लेकिन लग्न एवं सप्तम में केतु एवं राहु की स्थिति कुछ परेशान कर सकती है। धनु लग्न के जातकों का अग्नि तत्व स्वभाव होने के कारण ये आक्रामक उग्र स्वभाव के साहसी, परिश्रमी, उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं। धनु राशि द्वि स्वभाव की राशि होने से ये अस्थिर प्रकृति के होते हैं, इसलिए दुविधा बनी रहती है। इन्हें निर्णय लेने में समय लगता है, इसलिए इनका निर्णय समझदारी भरा होता है। मंगल, शनि, राहु, केतु के कुप्रभाव के कारण जातक अहंकारी, विश्वासघाती हो सकता है। अपने गुण एवं कर्मों का बढ़ चढ़कर बखान करने वाला हो जाता है, अतः इन्हें प्राय घबराहट जैसे रोग, मानसिक परेशानी, हृदय विकार, कफ, खांसी, सर्दी, कान के रोग, पीलिया एवं रक्त संबंधी जैसे रोग आदि की समस्याएं हो सकती है। अतः खाने पीने का ध्यान रखें। बासी, तला गला, ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन से बचें। सेहत के प्रति सावधान रहें। आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर की सलाह लेते रहें। क्या खाना है क्या नहीं इसका विशेष ध्यान रखें। नियमित योगा, प्राणायाम, ध्यान करने से उक्त समस्याएं अपने आप शांत हो जाएगी, मन को शांति मिलेगी। अशुभ योग दिनांक 23-25 जनवरी को लग्न भाव में चंद्र केतु का ग्रहण दोष बनने से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ ही आपके लग्न भाव में केतु एवं सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे होने से धनु राशि के जातकों पर विपरीत असर होने की संभावना बना सकते हैं, लेकिन उच्च के होने से अचानक धन लाभ, भाग्य में वृद्धि एवं कई अद्भुत संभावनाएं भी बना सकते हैं जो कि हम मासिक वीडियो में देखते हुए चलेंगे। और उतार नहीं होगा तो चढ़ाव भी नहीं आएंगे, घाटी नहीं होगी तो पहाड़ भी कहां से आएंगे। ये तो जन्मजात जोड़ी है। सुख दुख का अद्भुत संगम हमारे जीवन को निखारता है। बिना विरोध के जीवन संभव ही नहीं है, बिना घर्षण के तो गति संभव ही नहीं है। अतः जीवन को गति देने के लिए ही चढ़ाव आते हैं और चढ़ाव पर पसीने छूटते हैं और जिससे उतार पर हवाएं सर्द लगती हैं। यही जीवन का अद्भुत आनंद संगम है। इसे आनंद के साथ जिए और आनंद के साथ जीना जब होगा जब आपके पास इसका ज्ञान होगा। अतः ज्ञान बढ़ाते रहें,
ज्ञान बढ़ाते रहें, ज्ञान बढ़ाते रहें, बस यही आनंद का सोर्स है। शुभ योग, इस वर्ष 2020 का समय धनु राशि के लिए बहुत शुभ फलदायक बन रहा है। जो बलशाली एवं सफलतादायक योग बन रहे हैं उनका विवरण मैं बीच बीच में देता रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा, अतः इनको ध्यान में रखते हुए आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दिनांक 22/1/2020 से 23/1/2020 तक केंद्र में गुरु चंद्र का गज केसरी योग बन रहा है। सप्तमेश एवं कर्मेश बुध का 24/5/2020 से 1/8/2020 तक केंद्र में सप्तम भाव में मिथुन राशि में भद्र योग का निर्माण हो रहा है। सप्तमेश एवं कर्मेश बुध का दिनांक 1/9/2020 से 22/9/2020 तक केंद्र में कर्म भाव में कन्या राशि में भद्र योग का निर्माण हो रहा है। यदि इन शुभ अशुभ योगों को ध्यान में रखते हुए उपाय एवं कार्य व्यवहार किया जाए तो आपका ये साल अति उत्तम भाग्यशाली होने वाला है। हमने तो योग उपरोक्त सभी योग बता दिए हैं, आपने सुन भी लिए, लेकिन अब एक्शन प्लान यही है, आपको इसके अनुसार कार्य करना होगा तो ही आपके जीवन में बदलाव होगा। सुनकर बदलाव नहीं होगा, करके ही बदलाव होगा। हम ही हमारे भाग्य के रचयिता हैं, या इसे ऐसे कहें मैं ही अपने भाग्य का रचयिता हूं। उपाय के लिए मेरी अन्य वीडियो देखें। दोस्तों, अपने आप को जानने के लिए और अपने जीवन का वास्तविक रहस्य जानने के लिए और आपको सुख दुख क्यों आता है जानने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जो भी जातक अपनी कुंडली बनवाना और सूक्ष्म विश्लेषण करवाना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना डाटा जैसे जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान और नाम व्हाट्सएप कर दें। उसे 15 पेज की कुंडली और सूक्ष्म विश्लेषण 3 दिन के अंदर व्हाट्सएप पर ही फ्री में प्राप्त हो जाएगा। और जो भी जातक मुझसे अपने जीवन के बारे में बात करना चाहते हैं वे सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अतः दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। अतः अभी लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें और अपना कुंडली विश्लेषण फ्री में पाएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7509000476। ईमेल नंबर है suryadayalguru6268@gmail.com। धनु राशि वाले उपाय के लिए मेरी अन्य वीडियो देखें। धनु राशि 2020 में क्या करें उपाय।